आप सभी को नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज हम बात करने वाले हैं स्केंटी पीरियड्स के बारे में, या फिर यूँ कहें कि पीरियड्स का अचानक से कम हो जाना। ऐसा किस किस कंडीशन में होता है, या हम कब कह सकते हैं कि मेरे पीरियड्स अचानक से कम हो गए हैं। सबसे पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि अपनी बॉडी को किसी अन्य बॉडी के साथ कंपेयर ना करें, अपनी फ्रेंड, अपनी सिस्टर या किसी बॉडी के साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि हर बॉडी का हार्मोन बैलेंस अलग होता है, इम्बैलेंस अलग तरीके से होता है। विद द सेम थिंग हर बॉडी की फिजियोलॉजी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केंटी पीरियड्स कहते किसे हैं, या पीरियड का कम आना कैसे हमें पता चलता है। स्केंटी पीरियड्स एक्चुअली कहते हैं कि जब आपको पीरियड का अमाउंट जितना आता था उससे कम हो गया है। जैसे अगर आपको 5 डेज के लिए पीरियड्स आते थे या 6 डेज के लिए पीरियड्स आते थे, अब वो क्या है कि आपको केवल 2 दिन या 1 दिन आ रहे हैं। या फिर पहले आप जब पैड यूज करते थे तो 1 दिन में 5-6 पैड यूज करते थे, बट अभी आप क्या है कि क्वाइट फ्रिक्वेंटली केवल 1 पैड पूरे दिन में यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ सिम्टम है जो दर्शाते हैं कि आपका पीरियड जो है, या पीरियड का जो साइकिल है, वो नॉर्मल से थोड़ा एबनॉर्मल हो गया है। और ये होना काफी कॉमन देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वुमेन स्पेशली, ऐसी लड़कियां जो किसी टेस्ट की तैयारी कर रही हैं, या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, या किसी स्ट्रेस से गुजर रही हैं, उनके साथ ऐसा ऑब्वियसली देखा गया है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल आपको क्या करना है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा खाना पीना रखना है, डाइट मॉडिफिकेशन करनी है। डाइट मॉडिफिकेशन में क्या है कि आपको आयरन बनाने वाली चीजें जैसे बीट रूट हो गया, कैरेट हो गई, पालक हो गई और ब्रोकली हो गई, ये सब चीजें खाने की ज्यादा जरूरत होती है। उसके साथ अपने साइकिल को ट्रैक करने की जरूरत होती है।